तिरंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमारा तिरंगा को नुकसान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत माँ का तिरंगा है, ये तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है कि हवाएं चलेंगी तो ही इस तिरंगे को लहराया जाएगा। जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसें चलेगी, हमारी अंतिम सांसों से भी ये तिरंगा लहराते रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदुस्तानी है, इनकी आखिरी सांसें भी हमारी तिरंगे के लिए रहेंगी। ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारे तिरंगा झंडा को फेंक दीजिएगा और आप अपना झंडा लगाइएगा, देश आपके साथ होगा। यही करतूत है कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते रह गए। ये इतना नीच हरकत कर दिए आप, ये पूरा देश इसकी निंदा करता है, ये एकदम गलत है ये। और ये जो किसानों ने जो लहराया है, ये सब काम किया, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं भैया। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया। शक्ति प्रदर्शन करना था तो तिरंगे को लेके करते कि किसका तिरंगा कितना ऊंचा होगा। दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहराया है, हम उससे ऊंचा अपना तिरंगा लगाएंगे, तब हम समझते हैं। तो पहली बात भैया कि हमारे तिरंगे को उतारा नहीं गया, जो वहां था वो वहीं है। जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है। मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई सांड घुस गया तो हम पड़ोसी से यही बोलेंगे, यार सांड घुस गया हमारे घर में, थोड़ा तूड़ फूड़ मचा दिया। ये नहीं बोल देंगे कि डायनासोर घुस गया। यहीं देखिए ये भाई साहब को, ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस यहाँ 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 नीचे में, पूरा दिल्ली पुलिस, ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। और इन दिल्ली पुलिस के जवान को देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है, हथियार है, कमी है तो बस एक चीज की, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है। आप सवाल पूछिए इन लोग से कि तुम कर क्या रहते हैं, सैलरी किस बात की मिलती है, ऐसे तुम तमाशबीन बन के देखने के लिए। अभी तो बुलेट प्रूफ है तुम्हारे पास, गोली लगेगी तो कुछ नहीं होगा, हेलमेट अब कौन चीज खोज रहा है, चूड़ी की कमी है इन लोग को। आप खड़े होते तो आप क्या तिरंगे की बेइज्जती देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम कहते हैं कि इतने पुलिस वाले थे, इनके बावजूद तिरंगा फेंक कर लहरा दिया गया अपना धार्मिक झंडा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ एक भी फौजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेंक कर आप लहरा दिए रहते। इसीलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अपने फौजियों यहाँ पर। ये देखिए ये भाई साहब पुलिस वाले, ये भाई साहब, इन लोग को हम कहते हैं, ये नीचे इतने पुलिस वाले को, इन लोग को कहते हैं आपके सामने तिरंगा को फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं किया। पूरे क्लासरूम में हर जगह खंभे पे तिरंगा है, चरतल्ला पे मेरा क्लास चलता है। हम कहते हैं कि थोड़ा हमारे सामने आके कोई हमारे तिरंगा को फेंक के दिखाए, ना फेंक दिए चरतल्ला पे से नीचे तो कहेगा हमारा आधा मोच काट के घूमेंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं, होनी होती है। दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए, भैया आपको भी इतिहास समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास में ऐसी घटना हुई है, और किसान आंदोलन को भी नहीं समझ में आ रहा है। 9 बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, तू लो बोल दियो, हम तोरा एप्लीकेशन पे कर देंगे। को कहने लगी कि फर्जी किसान, फर्जी किसान। भाई साहब फर्जी लोग रहते तो 5 जून से लेकर और अभी तक नहीं रहे रहते वहाँ। मीडिया को भी कहते हैं यार, आप लोग की इसी रहन की वजह से आप दुनिया में 142वें नंबर पे आते हो। अब क्या खोज रहे हो यार, 142वें के पीछे साथ जाना भी मुश्किल है। 142 नंबर, 193 देश में 142 नंबर। इन पे क्या भरोसा करेंगे? 2000 के नोट में इन्हीं मीडिया वालों ने कहा था कि इसमें तो क्या है, नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है। वेट कीजिए 2025 तक, आप मेरी बात को याद रखें, 2025 से 26 तक एक ऐसा वक्त आएगा जब मीडिया वाले देखेंगे ना, अपने यहाँ पर चैनल का नाम लिख के घूमते हैं सब, NDTV तो आज तक, ये सारे मीडिया वालों के चैनल के नाम लिखे रहते हैं। 2025 से 26 तक ये मीडिया वाले इतने अजीब हो जाएंगे कि ये यहाँ नाम नहीं लिखेंगे कि किस चैनल से है, वरना अगर ये नाम लिख देंगे ना तो फिर इन लोग की थुराई चालू हो जाती है। गवर्नमेंट को भाई, गवर्नमेंट के पास भी तो दिमाग की कमी नहीं है, उसके पास एक से एक IAS IPS बैठे हुए हैं दिमाग देने के लिए। उन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट को कि देखिए देश की जनता जो है, इनका एक सिंपैथी, एक सहानुभूति जुड़ी है किसानों से। जब तक जनता का ये सहानुभूति नहीं टूटेगा, आप इस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। गवर्नमेंट भी इंतजार में थी, किसानों ने वही गलती किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर कर दिया। आप शांति से रैली निकालते, इतने दिन से आपको कोई नहीं बोला था, लेकिन अब देखिएगा, अब गवर्नमेंट को बहुत बेहतरीन, आप लोगों ने खुद ही मौका दे दिया है कि अब आंदोलन को दबाने के लिए। अब क्या सवाल आपने सुना है कि किसी ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि भाई आप लाल किला तक रोके क्यों नहीं यहाँ पर?
कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम लोग को अजीब डिजाइन की सोचे हैं भैया हम क्या। अब ये लोग गाजीपुर बॉर्डर से एंट्री किए थे यमुना विहार होते हुए अक्षरधाम होते, वहीं से थोड़ी दूर पे है वसंत, ये आपका शंकर विहार करके एक एरिया है, वहाँ आर्मी की बहुत बड़ी छावनी है, आप वहाँ से भी अगर बुला लेते तो आर्मी अगर खड़ी भी हो जाती तो कोई नहीं जा पाता भाई। दिल्ली पुलिस वालों लोग से आपसे सवाल कौन पूछेगा, मीडिया तो पूछेगी नहीं आपसे। भैया दिल्ली पुलिस वाले एक्स्ट्रा सोचिए, हालांकि दिल्ली पुलिस ने तो भैया सरकार का आधा काम आसान कर दिया जो उन्हें दिल्ली लाल किला तक पहुंचने की अनुमति, मतलब एक तरह से देखिए सीधी आप अगर खुद से सोच के देखिए ना कि अगर गवर्नमेंट चाह ले तो भी राजधानी में कि आप लाल किला पे नहीं पहुंच सकते तो नहीं पहुंच सकते, गारंटी हम बताते हैं। चाहते हैं कि किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को कोई क्षति पहुंचाए, हमें सबको देख के चलना है, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले हमारे अपने नहीं है। कि आप खुद से सोचिए, दुनिया में हर चीज का एक रेट फिक्स है, अगर कोई पेन है 3 रुपए का तो उसे कोई 2 रुपए में नहीं खरीद सकता है, सिवाय किसान के अनाज की, कि गेहूं कितने रुपए में बिकेगा ये उसको भी नहीं पता है। ये इसी दिसंबर की बात है कि बिहार में गोभी 1 रुपए किलो था, दिसंबर की बात है कि तेलंगाना में 40 पैसा प्रति किलो टमाटर बिका था, 40 पैसा प्रति किलो टमाटर, और यही टमाटर है एक वक्त था जब 150-200 रुपए किलो था, गिन के टमाटर मिल रहे थे, मतलब कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भैया एक मिनिमम फिक्स कर दो, बस काम खत्म। अब ये कह रहे हैं कि भैया मंडी में बेचो चाहे मंडी के बाहर बेचो, मतलब क्या मतलब बनता है, आप मंडी में बेचना है कि मंडी के बाहर बेचना है, इस पे काहे बहस करते हैं, ये बोलिए ना कि बेचना कितने में है, काम खत्म, बेचना कितने में। हाँ, ये सारे झोलम झाल से दूर हूं मैं, इसलिए तो मशहूर हूं मैं, खाना सही समय। और रही बात मंडी में बेचना ना, तो 2006 से ही बिहार में मंडी खत्म है, यहाँ पर मंडी में बेचिए चाहे मंडी के बाहर बेचिए, मन करता है कुछ छूक कीजिए, तो उस हिसाब से तो ये जो नियम अभी पूरे देश के लिए बन रहा है वो तो बिहार में 2006 से लागू है। और किसी को अगर देखना है किसानों का विकास तो आके देख लो बिहार में क्या किसानों का विकास है, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये भाई साहब बवाली इसीलिए विभाजने किए थे पाकिस्तान का, इनको लगता था कि जन्नत बनाए, भाई साहब कोई मुद्दा ही भारत, ये खालिस्तान वाली बात इन लोगों ने फैलाया है, कम से कम इसमें मत आइए, देश में मिलजुल के रहिए, सबको भैया मिलके अधिकार है, देश आजाद हो गया हम सबका है, पुलिस वाले भी हमारे ही हैं, सरकार को हम ही ने चुन के भेजा है, तो किसान भी हमारे ही हैं, इसमें कोई विदेश से नहीं आया है, ना ही कोई इसमें आतंकवादी बैठा है। मोदी जी आप एक बार सोचिए, दिल्ली पुलिस के भरोसे दिल्ली को छोड़ देना नहीं है, या तो भैया उनको खुला छूट था कि भैया आप दिल्ली उन्हें लाल किला तक आने दो, अगर ऐसा है कि भैया उन्हें छूट था कि आने दो तो एक अलग बात है, What the fuck? लेकिन वो रोक ही नहीं पाए ये तो और खतरनाक बात है कि भैया आप किसानों को नहीं रोक पाए, फिर अगर कल को मुंबई ताज होटल जैसा हमला हो गया तब तो फिर आपको इस हिसाब से तो देखने के बजाय डर लगता है भैया आप रोकेंगे कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।